ये दो तरह की फीमेल्स होती हैं, ये उनका होता फीमेल्स है। तो दो तरह ये की फीमेल्स जो, होती हैं। हाँ ये जो ज्यादा यंग होती है ना उसका ये होता है येलो, और जो थोड़ी मतलब ओल्ड हो जाती है और मैरिड हो जाती मोटी है, होती है जो। अस्सलाम हाँ उसका वाइट होता है। वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम पेट फ्लैट मजे में। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। एनीवेज फ्रेंड्स, मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। जेजी और मामा ने ब्रेकफास्ट कर लिए। मामा जेजी ने खाया है अंडा ब्रेड, एंड आफ्टर ईटिंग अंडा ब्रेड दे है टी। एंड मैं सोची हूँ क्रॉसन खाऊँ, चीज़ क्रॉसन और ऑलिव ऑमलेट। फ्रेंड्स, अगर यही मेरा ब्रेकफास्ट हुआ क्या तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। साथ में सोची सबस चाय पीऊँ। टाइम फ्रेंड, मेरा बहुत ज़्यादा पीने को दिल चाह रहा था, लेकिन दूध हमारे ख़त्म हुए। अभी दूध मंगवाने हैं हमने, और भी सब्जियों की कुछ चीज़ें, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ है सब्जियों वाला मंगवाने वाला। अभी मामा बैठ के चेक करेंगी फ्रेंड्स। बैठ के मैंने नहीं चेक करना, याद आया तुमने बताने की ये चीज़ खत्म नहीं है। तो मैंने यही ना तीन चीज़ें बस, प्याज हैं थोड़े से और आलू भी हैं थोड़े से। थैंक यू जी, मामा का फोन खाते हुए। थैंक यू, क्या कर रहे हो आप? खेल रहे हो फ्रेंड? तेजी इतना गंदा डालता है ना कमरा, इतना गंदा नहीं था जितना चीज़ ने कर दिया। देखिए पता नहीं क्या क्या। एनीवे खीरे इतने ज़्यादा थे, खीरे तुमने काटे रात में, खीरा काटा खीरे की कोई रेसिपी नहीं होती? खीरे के हैक्स, वो हैक्स नहीं, वो सैलेड बड़े वो आ रहे हैं सैलेड स्टाइल्स। हाँ तू कह, देखे वो क्या बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बनी। नहीं सही, लेकिन इस तरह की रेसिपीज तो गर्मियों में बनानी चाहिए, क्योंकि पकड़े जरा स्कून से पंखे पे बैठे। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मैंने कल फ्लावर बनाने की कोशिश की थी, और वो जो हम देख रहे थे ना वैसे काट काट के पतले पतले, वो नहीं बनता। बनेगा, मैं बना के दूंगी, मैं बना के फ्रेंड वो नहीं बनता। वैसे आपने पतले पतले कुकम्बर्स के ऐसे स्लाइस काट देने गोल गोल, उनको सारा लाइनवाइज रख के रोल करना, तो वो फ्लावर बन जाएगा, पर वो नहीं बना। आज माय ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट इज रेडी फ्रेंड्स, आई लव दिस ब्रेकफास्ट। ये चीज़ जो ऐसी है, मैं डिनर में मिल जाए मुझे, लंच में मिल जाए फ्रेंड्स। वैसे हम लंच टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रंच कह सकते हैं आप इसको। तो आई लव दिस ब्रेकफास्ट, क्रॉसन्स, चीज़ एंड ऑलिव ऑमलेट एंड सबसाई फ्रेंड, वी लव सबसाई। ये क्या लगा हुआ फ्रेंड, एनीवेज इसको इग्नोर करते हैं, और मैं आपको खा के रिव्यू देती हूँ। हर बार रिव्यू देना भूल जाती हूँ, बोलती हूँ खा के आपको रिव्यू देती हूँ, फिर मैं ऊपर लिख देती हूँ यम था या नहीं था, फिर या अगर नहीं यम हो तो फिर मैं लिखती नहीं हूँ कि आपको पता चल ही गया होगा अगर मैंने रिव्यू नहीं दिया तो। जैसे यहाँ पर बैठ के खेल रहा है, हेलो फ्रेंड्स, इसको सारा पता, वीडियो ऑन है तो मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, अब इग्नोर करेगा मुझे। जेजी हाँ, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, उसके बाद मैंने जेजी को उसके बहुत देर पुराने टॉयज निकाल दिए थे, काफ़ी देर हो गई थी उसने खेले नहीं थे, तो उसको इतनी देर बाद खेल के अच्छा लगा। यानी रोज़ रोज़ निकाल के देना फ्रेंड्स, तो वो बोर हो जाता है, वो पड़े रहते हैं खिलौने, और वो हमारे पास आ रहा होता है कि मेरे साथ कुछ खेलो। तो ये फ्रेंड उसके टाइल्स निकाल के दिए थे मैंने उसको, उसने खेला और अब वो थक हार के सो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करनी है मैंने, और मैं पढ़ने वाली हूँ मगरिब की नमाज़, और नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी, साथ में मशीन लगा दूँगी क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। फ्रेंड्स चलिए भी सो गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने बिस्तर नहीं उठाए क्योंकि सर्दी है, अब बिस्तर उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। और मामा मुझे गाइड कर रही हैं कि फ्रेंड मैं बैक कैम, कभी कभार ऐसे होता है कि मेरा सारा ऐसे नहीं आना होता है ना, ऐसे ही ना थोड़ा सा ऊपर करना बस, तो ऐसे फिर मामा मुझे गाइड कर रही हैं कि फ्रेंड ऐसे बाजू थक जाता है पकड़ पकड़। नहीं सिर्फ तुमने भला क्यों, जब आपको आप नज़र नहीं ना आ रहे होते तो फिर आपका बाजू ज़्यादा थकता है, वरना ऐसे फ्रंट कैमरा पकड़ा होना तो ऐसे इतना थकता नहीं है बाजू। समझ रही आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एनीवेज फ्रेंड मैं नमाज़ पढ़ लूँ, देन आपको मिलती हूँ, जो भी होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। और डिनर में हम रोटी पकाएंगे साथ में, कल का सालन पड़ा हुआ वो खाएंगे, पाए मैं फ्रेंड पाए खाऊंगी, मामा जो मर्जी खाए, देसी घी से चुपड़ के। वैसे मेरा बटर भी है, मेरा तो दिल चाह रहा है मुझे वो देसी घी पाए में, पाए के साथ तो कुछ ना चुपड़ूंगा। ज़रा पकड़ो, क्यों बोला क्यों बोला? वो इसलिए है कि वो शोरबे में मिक्स हो जाता सारा घी, ये तो ड्राई के लिए मैंने कहा, वो चिकन कढ़ाई के साथ अगर खाना है तो। अगर मैं चूरी खाऊं तो खा लो फ्रेंड्स, आई रियली वांट हैव टू। लास्ट टाइम मैंने चूरी खाई थी फ्रेंड्स, आई डोंट रिमेम्बर इवन, आपको याद है?
फ्रेंड बड़े साल हो गए तो हमें फ्रेंड देसी की हम चाह रहे थे प्योर मिले, पर ये फ्रेंड प्योर मिला तो है, पता चल गया, कंफर्म हो गया कि ये प्योर है, पर मुझे ये इतना कोई खास अच्छा नहीं लगा। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्यों ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा? ये येलो है ना, ये दो तरह की फीमेल्स होती हैं, ये उनका होता फीमेल्स है। तो ये जो हाँ ये जो ज़्यादा यंग होती है ना उसका ये होता है येलो, और जो थोड़ी मतलब ओल्ड हो जाती है और मैरिड हो जाती है जो हाँ उसका वाइट होता है, तो ये येलो वाला। तो तुम्हें वाइट वाला ज़्यादा पसंद है? फ्रेंड अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है, वाइट वाला आ जाएगा मैं खा लूँगी, तब अगर मुझे अच्छा लगा वो वाला देन मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी कि मुझे वाइट पसंद है ये येलो पसंद है। मेरे मास पाल ने पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम ओए होए होए जेजी फ्रेंड ऐसे करता है मामा के अंदर, जेजी के अंदर ऑब्वियसली मामा से आए हैं सारा कुछ। आप कहाँ जा रही हैं डाकू बन के, कहाँ डाका डाल डाका ओके नमाज पढ़े हम। फ्रेंड यहाँ पे जेजी पीछे कार्टून देख रहा है और यहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं, ये है देसी घी और ये मैंने नीचे वाली पे लगा दिया और ये कोई अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड, मुझे लग रहा है मुझे यही पसंद है, ये पता नहीं क्यों कैमरा खाते हैं और आपको मिलते हैं। इसमें मैं देसी घी लगाऊंगी और मामा ऊपर और रोटी ला के रखेंगे और फ्रेंड मज़ेदार सीन है, साथ में खा रही हूँ पाए और मामा खा रही हैं चिकन का सालन। यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े, ये देख सकते हैं आप अंदर भी हैं कुछ। फ्रेंड यहाँ पे जेजी देख रहा है कार्टून, हेलो ये हैं जी मेरे पाए जेजी यहाँ पे आ चुके हैं और कार्टून देख रहे हैं, जेजी मेरे साथ खाएगा और मैंने दूसरी रोटियों को भी लगा दिए देसी घी और मज़ेदार सीन है। मैं खा के आपको मिलती हूँ, मामा का आपको दिखाती हूँ और अभी कपड़े स्पिन हो रहे हैं देख सकते हैं, जब कपड़े धुलते हैं ना तो फिर जब कपड़े धुलते हैं तो फिर ऐसे ही फ्रेंड्स गंद पड़ा होता है पूरे कमरे में। फ्रेंड ये किसी ने डॉगी अपना पॉट पेट पॉट सूजू सूजू अपना पेट ले आए हैं, आया किसी का इतना बड़ा डॉगी है उसका नाम सूजू है सूजी या पता नहीं क्या नाम है और जेजी अब उससे स्केयर्ड हो रहा है क्योंकि जेजी की काफ़ी ज़्यादा देर बाद डॉगी इसको देख रहा है, वरना जेजी की बड़ी अच्छी दोस्ती है, जेजी के फ्रेंड है, आपने अगर पहले वाले व्लॉग्स में हमारे देखा होगा जेजी लव्स डॉग्स, पर अभी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा है तो इसलिए जेजी स्केयर्ड लिटिल बिट। पीछे डॉगी की आवाज़ें आ रही होंगी, इसकी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं, फिलहाल खाना खा लें। बता दिया ओके। डॉगी जो है कॉन्स्टेंटली फोंक रहा है, बाऊ बाऊ कर रहा है। फ्रेंड यहाँ पे जेजी के मैंने कपड़े चेंज कर दिए और जेजी ने देखे कैसे अपना ट्रोजर ऊपर चढ़ाया इतना ऊपर, अहले हदीस या फ्रेंड्स। ये फ्रेंड जेजी को रेड कलर का हुड पहना दिया और ये बहुत ही पतला लग रहा है इसमें पता नहीं क्यों। एंड यस फ्रेंड यहाँ पे मैंने बेड सेट कर दिया और ब्रूनू ऐसे बैठा हुआ जैसे उसको इतनी सर्दी लग रही है ना, इतना ऐसे नजर आ रहा पता नहीं फ्रेंड्स। एनी वेज कपड़े धुल गए हैं, फ्रेंड वैसे मैंने ये पहले बोल दिया था बाद में मैंने इतना ओवर रिएक्ट किया सॉन्ड। एनी वेज फ्रेंड ये धुल गया और ये अभी भी सही से साफ नहीं हुआ, पता नहीं क्यों इसको दो बार डाला है, इसको गंदा ही हमने इतना किया फ्रेंड, हमने दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं हुआ इसके अलावा कोई। कपड़े धुल चुके हैं ऊपर डाल, तुमने येलो लगाया था इतना प्यारा, वो चेक वाला था वो इतनी जल्दी गंदा भी नहीं। कौन सा चेक वाला? वो येलो वाला विच मैंने कहा था इसके ऊपर डाल तुमने कहा नहीं। अम्मा हमने खुदी काट काट के वो बनाई थी पहले, वो बाद में जब तुमने नाम बोली तब मैंने। एनीवेज फ्रेंड्स ये यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं और मैं ऊपर डाल के आ चुकी हूँ और ये चावल यहाँ पे पड़े हैं। वाह जेजी के लिए राइस पाई निकाले थे और चावल वहाँ के वहीं पड़े हैं, हमने खाना अम्मा गर्मी लग रही है, सर्दी में गर्मी लग रही है, ऊपर कपड़े डालने गई थी मुझे इसलिए गर्मी लग रही है। यहाँ पे है कस्टर्ड, ये ले मैम स्पून लाती हूँ रुके जेजी को बहुत पसंद। मामा कह रही हैं अब मैं रोज बनाया करूंगी, रोज नहीं मैंने कहा झूठी यानी जब जेजी का मूड होगा यानी के साथ तुम्हारा भी चस्का नहीं। फ्रेंड मुझे इतना मजा नहीं आया था इसका, वैसे अब मजे कर रात को ज्यादा ठंडा था। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे ब्लॉग एंड कर देना चाहिए क्योंकि मेरा नहीं हाल कुछ, मेरा ख्याल है कि कुछ इंटरेस्टिंग अब होगा, रात हो गई है अब
सोएंगे एंड ये बिल्कुल झूठा सोएंगे। फ्रेंड ये था आज का व्लॉग। सुबह से हम सोए हुए थे, अब हम उठ गए हैं और ज्यादा। सुबह से सोए हुए थे तो ये नहीं आपके बात का मैं कहना चाह रही हूँ ना। ये नहीं अब हम और उठ गए हैं फ्रेंड्स, सुबह से हम सोए हुए थे और समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ गए मामा ने समझ गया। न्यूज ये था आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, बाय बाय टाटा।